राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय प्रेरणा स्रोत रहे हैं। समाज के लिए जिए और समाज के लिए काम करें, आंदोलन का मंत्र देने वाले स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय तो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐलान है लोगों के लिए, वो समाज के और विकास के मुख्य धारा में कैसे आ रहा है उसके लिए हमें, और आज आप देखेंगे इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से उसी काम में वो लगे हुए, गरीबों को कैसे आवास हो, उनके लिए शौचालय हो, वो कैसे क्या बोलते हैं धुआं रही भाई करके गैस के चूल्हा में भी भाई पका सके, फिर कोई गरीब भूखे नहीं सोए उसके भी वो चिंता करते। देखिए इस कोरोना काल में पूरे अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना अनाज भी उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। कोई गरीब भूखा ना सोए इसके लिए प्रधानमंत्री ने 5 किलो अतिरिक्त अनाज लोगों को दिया और किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। आज हमारी केंद्र की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सपना था समाज के अंतिम विकास की किरण पहुंचे, आज मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय का सपना आज साकार हो रहा है। आज इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सबको पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज प्रेरणा देने का काम हम सबको कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, आज के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम स्मरण करते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के